हाथरस में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर मंडी अर्थी से की लाखों की लूट। एक बाइक सवार पर तीन अज्ञात बदमाशों ने मंडी अर्थिया से लगभग 4.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। एक बाइक पर तीन सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 4.5 लाख की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल सहित बही खाते लूट कर हुए फरार। मंडी अर्थिया से हुई लूट की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस घटना की छानबीन में जुटी। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे बाइक सवार लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की खोजबीन में जुटी। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के चमन विहार कॉलोनी की घटना। क्या नाम है भाई? नवनीत वास में। कौन सी जगह रहते हैं? चमन विहार। क्या घटना हुई आज? मैं रक्षित अपने दुकान के लिए निकला था 7:45 बजे और रास्ते में उन्होंने बच्चे बाहर निकलते ही तीन लोगों ने मुझे कट्टा दिखाकर मेरे साथ लूटपाट की। कितने की लूट हुई आपके साथ? करीबन 4.5-5 लाख रुपए की करीब मेरे बैग में। कहाँ जा रहे थे आप? मैं मंडी आ रहा था, मेरी आदत था गाँव मंडी में, नाज मंडी में। पैसे के अलावा और किसी की? एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है। किस पे थे बाइक पे बदमाश? स्कूटी पर। बाइक पर थे बदमाश। बाइक पे थे बदमाश। पहले ऐसे कभी आवाज़ हुआ कि ये पहले लगे हैं? कभी नहीं। अचानक ही वो आए हुए? अब आपने तहरीर दे दी थाने में? अभी सर तहरीर देने जा। पुलिस मौके पे आए हैं जी। आज दिनांक 21/10/2021 को सुबह करीब 7 बजे थाना हाथरस गेट पर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि चमन विहार कॉलोनी निवासी नवनीत वास ने, जिनकी मंडी समिति में कमीशन एजेंट की दुकान है, वो सुबह रोज की तरह अपनी स्कूटी से अकेले घर से मंडी समिति के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में पहले से खड़े तीन लड़कों द्वारा उनकी स्कूटी में धक्का मारकर उन्हें गिरा दिया गया। फिर वो लोग स्कूटी में रखा बैग, जिसमें 4.5 लाख रुपये, मोबाइल व लैपटॉप था, उसको छीनकर भाग गए। सूचना पर तत्काल हाथरस गेट पुलिस व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में जानकारी की गई। वादी से लिखित तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।